गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास थर्ड। आज हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर। क्लास रीडर में आपका चैप्टर स्टार्ट होगा 9 एंड चैप्टर नेम है द लेफ्स एंड द शूमेकर। ठीक है, ये स्टोरी एक मोची की और बोने व्यक्ति की है। जो बोने व्यक्ति होते हैं ना, आदमी होते हैं, उनकी लेफ्स में होता है जो छोटे बोने होते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी किसकी है? मोची की और दो बोने आदमियों की। तो हम स्टोरी पढ़ेंगे अहमद वाजा शूमेकर। जो अहमद है वो कौन है? एक मोची था। ही मेड स्ट्रॉन्ग वेल फिटिंग शू एवरी डे। ही कट द पीस ऑफ लेदर केयरफुली। ही शेप दीज पीसीज ऑफ लेदर टू लुक लाइक शूज। वो क्या करता था? जो उसके शूज थे उनको बहुत क्या करता था, मजबूत होते थे। जो उसका लेदर होता था वो बहुत मजबूत वाले लेदर के शूज बनाता था और उनको बहुत केयरफुली ध्यान से उनके पीस को काटता था और उनको क्या करता था, लेदर को शेप देता था। किसकी? शूज की, है ना, जो बहुत सुंदर दिखते थे। और ही यूज टू स्ट्रॉन्ग नीडल टू स्टिच द लेदर। और बहुत मजबूत धागे का यूज करता था उन्हें सिलने में। ही मेड नीट लिटिल देम। ही केप्ट देम ऑन अ सेल्फ इन हिज स्मॉल शॉप। एवरी वन इन द टाउन टॉक अबाउट द शू ही मेड। अहमद इज द बेस्ट कॉबलर इन टाउन सेड ऑल द पीपल। मतलब जो वहाँ के आदमी थे टाउन के कस्बे के, वो क्या करते थे, सब उसकी बहुत बातें करते थे, तारीफ करते थे कि ये जो आदमी है ये क्या करते थे, इसकी एक बहुत छोटी सी शॉप थी, उस छोटी सी शॉप में भी बहुत सुंदर जूते बनाता है, है ना। एक छोटी सी दुकान थी, उसी के अंदर अपने शूज बनाता रहता था। और उनको कैसे पॉलिश करता था? ही कलर्ड द शूज ब्लैक और ब्राउन, रेड और कलर। ही पॉलिश्ड देम, मतलब कि वो उनको ब्लैक और ब्राउन कलर के, रेड और ब्लू कलर के, उनको पॉलिश करके बहुत अच्छे से चमका देता था। एज टाइम पास्ड मैनी शू शॉप्स ओपन इन द टाउन। जैसे मतलब टाइम बीतता गया, ऐसी वहाँ पे और क्या खुलती गई कस्बे में, वहाँ पे दुकानें खुल गई थी, शॉर्ट शूज दैट वेयर मेड इन फैक्ट्रीज एंड प्लेस्ड ऑन सेल्फ्स इन द विंडोज। और वहाँ पे जो वो उन्होंने अच्छे अच्छे से शोरूम खोले और शोरूम में क्या होने लगे, वहाँ पे शूज उनको वे लाइट वेट ऑन करके, मतलब कि काफ़ी अच्छे से चमकाने लगे शूज को। द विंडो वेयर लिट अप द ब्राइट लाइट्स। और वो विंडो में से, खिड़कियों में से कैसे लगते थे, बहुत सुंदर। स्लोली पीपल स्टार्टेड गोइंग टू द न्यू शू शॉप्स। और जो वहाँ के व्यक्ति थे वो धीरे धीरे नई दुकानों पर जाने लगे। न्यू वेरी फ्यू पीपल मोर केम टू अहमद शॉप। और जो अहमद की दुकान थी उस पर बहुत कम लोग आने लगे, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि नई नई दुकानें खुल गई थी, है ना। वहाँ पे जो और भी मतलब शोरूम्स थे, सब लोग वहाँ पर जाने लगे और अहमद की दुकान पर बहुत कम लोग आने लगे। तो अहमद एंड हिज वाइफ आलिया बिकम वेरी पुअर। जो उसकी वाइफ थी और वो क्या हो गए, वो बहुत गरीब होते चले गए। एक दिन आई हैव ओनली टूडे आई हैव ओनली वन पीस ऑफ लेदर लेफ्ट आलिया सैड अहमद सैडली। It is enough of two pairs of shoes. I will make these last two pairs of shoes tomorrow. मतलब कि उनके पास क्या बचा था, बस दो ही जोड़ी जूतों के लिए शूज का चमड़ा बचा था और उनके पास कुछ भी नहीं था। That night Ahmed and Alia said their prayers and want to sleep. उस रात वो प्रेयर करते हुए सो गए, क्योंकि उनके पास ना वो बहुत गरीब हो गए थे, कोई शूज भी नहीं खरीदता था उनके पास, तो उनके पास क्या बचा, थोड़ा सा ही जूते के लिए चमड़ा बचा था। तो वो उस रात प्रेयर करते हुए सो गए। अहमद गेट अप अर्ली। अहमद सुबह जल्दी उठा। ही बाथ, नहाया और अपने कपड़े पहने। ही वॉन्ट इन टू हिज लिटिल वर्कशॉप, अपनी छोटी सी दुकान पर चला गया। व्हाट डू यू थिंक ही सा, उसने वहाँ क्या देखा, वहाँ पे ऑन हिज टेबल वर टू पेयर्स ऑफ शूज। वहाँ पर टेबल पर क्या रखे थे, दो जोड़ी जूते रखे थे बने। दे वर ब्यूटीफुल, और वो कैसे थे, बहुत सुंदर थे। दे वर मोर ब्यूटीफुल Than any of shoes Ahmed had ever made. जो अहमद शूज बनाता था उससे कहीं अधिक बहुत ही सुंदर थे। They were the most beautiful pairs of shoes he had ever seen. जो उसने कभी ना देखे हो। The stitch were small and neat. और वो कैसे थे, बहुत छोटे से, मतलब बहुत सुंदर से सिले हुए थे, पॉलिश हुए हुए थे, और कैसे वो चमक रहे थे ब्राइटली। अहमद रन आउट ऑफ द रूम, वो अपने रूम की तरफ भागा। आलिया आलिया ही शाउटेड, चिल्लाया, कम एंड सी दिस आलिया लुक्ड एट द शूज। उसने देखे और सी वाज अमेज्ड, ये कैसे हो सकता है ना, वो शॉक्ड हो गए कि ये कैसे हो सकता है। अ मैन एंड अ वुमन वॉक्ड इनटू द, उनकी दुकान पे एक आदमी और औरत आए। लेटर दैट डे दे लुक्ड एट द शूज एंड सेड
व्हाट वंडरफुल पेयर्स ऑफ शूज थे, वॉक द शूज, उन्होंने उससे वो शूज खरीद लिए क्योंकि वो बहुत सुंदर थे। अहमद वॉन्ट आउट एंड वॉक सम लेदर फॉर 3 पेयर्स ऑफ शूज, ही ऑल्सो दैट नाइट वॉक सम फूड एंड सम स्वीट्स फॉर आलिया। जब वो खरीद कर उसने जो जूते बेचे थे उन जूतों को बेच कर खरीद कर वो उनसे और 3 जोड़ी जूतों का चमड़ा ले आया, है ना। दैट नाइट अहमद लेड आउट द लेटर फॉर 3 पेयर्स ऑफ शूज ऑन द टेबल एंड वॉट टू बेड, मतलब कि अहमद ने फिर से वो चमड़ा किस पे रख दिया, टेबल पे रख दिया और रात को सोने चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग 3 पेयर्स ऑफ ब्यूटिफुली मेड शूज ले ऑन हिज टेबल, फिर से वो बहुत सुंदर से शूज बने हुए किस पे रखे थे, टेबल पे रखे थे। 3 मैन केम ऑन हिज शॉप, वी हैव हियर्ड दैट यू मेक एक्सीलेंट हैंडमेड शूज, कैन सी सम प्लीज सेट वन ऑफ देम, मतलब कि जो वो 3 शूज बने हुए थे तो उन फिर उसको खरीदने आए लोग और उनसे वो खरीद कर लेकर कहने लगे ये तो बहुत सुंदर है और तुम बहुत सुंदर कैसे बनाते हो, एक्सीलेंट हैंडमेड शूज हो, है ना, जो हाथ से बना। तो अहमद शोड देम द स्मार्ट शूज, द 3 मैन लव्ड देम, दे बॉट द शूज फॉर अ गुड प्राइस, मतलब कि उसे बहुत अच्छे से प्राइस भी मिल गए। सून द न्यू स्प्रेड एंड मोर पीपल केम टू बाय शू फॉर अहमद शू शॉप्स, मतलब कि उसकी दुकान पे और व्यक्ति भी आने लगे। दिस वांट टू फॉर सम टाइम एवरी डे अहमद लेफ्ट मोर एंड मोर पीसीज ऑफ लेदर ऑन हिज वर्क टेबल, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वो उस पर वो रख देता था टेबल पे चमड़ा और उसको शूज बने मिलते थे नाइट में, नाइट को बनाते थे मॉर्निंग में। एवरी मॉर्निंग ही फाउंड वेल मेड शू लाइंग देयर रेडी फॉर सेल बाय एंड बाय ऑफ द ईयर, एवरी वन वॉज टॉकिंग अबाउट द शू दे गॉट फ्रॉम अहमद शॉप। वन डे, एक दिन आलिया ही मस्ट फाइंड आउट हु इज मेकिंग दिस शू, मतलब जैसे कि वो जितना भी चमड़ा रखता था टेबल पे तो उसे सब क्या बने मिलते थे, शूज रेडी मिलते थे। तो वो कहने लगा, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने लगे, सब उनसे शूज खरीदने लगे क्योंकि वो नाइट में क्या करता था, चमड़ा लेके आता था और वहाँ पे नाइट में टेबल पे रख देता था और उनको बनाता था। बट एक दिन उसकी वाइफ ने बोला, वन डे, एक दिन आलिया सेड, आलिया ने कहा, ही मस्ट फाउंड आउट फ्रॉम हिज मेकिंग दिस शूज, कि ये शूज बनाता कौन है ये हमें पता करना चाहिए, है ना, हम चमड़ा तो रख देते हैं लेकिन इनको रेडी कौन करके जाता है। दैट नाइट दे हिड बिहाइंड द डोर ऑफ द वर्कशॉप्स, उन्होंने क्या करा, वो उन्होंने चमड़ा रख दिया और वो छिप गए, है ना, वो गेट के पीछे छिप गए कि अब हम इनको देखते हैं कि इनको शूज को कौन बनाता है। एज द क्लॉक स्ट्रोक 12 टू लाइट लिटिल इलेप्स रन, मतलब कि जैसे ही वो 12 बजे, तो 12 बजे कौन आए, तो छोटे लिटिल इलेप्स बोने वहाँ पे दौड़ कर आए, दो छोटे से बोने थे वो दौड़ते हुए आए, ये है ना, ये दो छोटे बोनों की स्टोरी है ना। तो इन्होंने क्या करा, वहाँ पे दौड़ते हुए आए, किसके अंदर, शॉप के अंदर। देयर क्लॉथ्स वर टॉर्न, दे वॉर्न ऑन वार्म क्लॉथ्स, दे हैड नो सॉक्स, दे हैड नो शूज, मतलब कि वो कैसे कपड़ों में थे, फटे हुए कपड़ों में थी और बहुत ठंड थी और उनके पैरों में शूज। दे कलर्ड द शूज, दे पॉलिश देम, दे प्लेस देम नीटली ऑन द टेबल, द मेड 10 पेयर्स ऑफ शूज दैट नाइट, और वो क्या करते थे, एक रात में कितने पेयर शूज बना देते थे, 10 पेयर्स, और क्या करते थे, मेज पर उनको टेबल पर नीटली रख लेते थे और उनको कलर्ड करके पॉलिश करके अच्छे से, है ना। अब उनको पता चल गया आलिया को और शू मेकर को कि उनके शूज कौन बनाता है। तो जो पुअर लिटिल इलेव्स सेड, आलिया मस्ट बी फीलिंग सो कोल्ड, इट इज बिटरली कोल्ड विंटर नाइट, इट वॉज अ कोल्ड दिसंबर नाइट, अहमद एंड आलिया वर टायर्ड बट दे डिड नॉट गो टू बेड, मतलब कि उस रात उन्होंने क्या करा, वो बेड पर नहीं गए सोने के लिए, उन्होंने उनके लिए क्या सिले, छोटे छोटे से उनको सर्दी के कपड़े सिले, जैसे कोट, सॉक्स, कैप्स, है ना। उस रात उन्होंने, उसकी आलिया ने और उसकी उसके हस्बैंड ने वुलन शर्ट सिलकर किस पे रख दी, टेबल पे रख दी। और जैसे ही फिर रात को 12 बजे तो वो वहाँ पर वो बोने आए, उन्होंने देखा और वहाँ पे उन्होंने क्या करा, वो गेट के पीछे छुप गए और इंतज़ार करते रहे। जैसे जैसे 12 AM एंड क्लॉक साउंडेड एट द टाइम, डोंग 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 वाज मिडनाइट, इट वाज फ्रीजिंग, अहमद एंड आलिया
स्टूड स्टिल द इलेप्स रन इनटू द वर्कशॉप. जैसे ही वो छोटे बो ने दुकान में आए उन्होंने क्या देखा, दे स्टॉप्ड, वो रुक गए. दे लुक्ड एट द टेबल और वो मेज को देखने लगे. दे स्टार्टेड टू ईच अदर दे स्माइल और देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आई. दे क्लैप देयर हैंड्स और दोनों हाथ से ताली बजाने लगे. दे पुट ऑन द क्लॉथ्स, दे हेल्ड हैंड्स एंड डांस्ड अराउंड द रूम. दे शाउटेड थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड रन आउट द रूम. द इलेप्स नेवर रिटर्न. मतलब कि उन्होंने क्या करा, उनको दोनों हाथ पकड़ के वो एक दूसरे के घूमने लगे, डांस करने लगे और थैंक यू बोलने लगे, उनको थैंक यू बोलने लगे. और फिर वो वहाँ से एंड रन आउट ऑफ द रूम और रूम से भाग गए और वो कभी वापस नहीं आए. पीपल कैप्ट कमिंग टू अहमद शॉप, दे कैप्ट बाइंग शूज. अहमद इज़ द बेस्ट कॉबलर इन टाउन. और जो अहमद था वो उसका टाउन का कस्बे का क्या बन गया, बेस्ट मोची बन गया, क्योंकि जो उसकी शूज थे वो एक साल तक भी क्या होते थे, ख़राब नहीं होते थे, है ना, बिल्कुल एक साल के बाद भी कैसे लगते थे, एकदम न्यू लगते थे, है ना, एकदम फ्रेश लगते थे. तो जो अहमद मोची था वो क्या बन गया, अपने टाउन का बेस्ट शू मेकर बन गया, है ना. वो भी किन की वजह से, वो जो दो छोटे बोने थे. तो ये स्टोरी किसकी थी, दो छोटे बोनों की और एक शू मेकर की, है ना, जो